अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सोस। तो आज हम लोग आए हैं भावलपुर और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने इस खूबसूरत से शहर की खूबसूरती, जो कि काफ़ी ये नवाबों के दौर का शहर है। और इधर जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह भी जो हैं और स्कूल्स वगैरह भी जो हैं वो उन्हीं के उस पर तर्ज पर तामीर किए गए हैं, वैसी ही खूबसूरत उनकी बिल्डिंग्स हैं। और ये है गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज़ और ये भी बहुत प्यारा था। इसकी फ्रंट साइड जो है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और ये आ गया है दारुल इत्फाल और यही रोड जो है ना ये आगे चौक आएगा, उधर से जो है हम लोग आर्मी की चेक पोस्ट आती है और वहाँ पे हम लोगों का स्कूल भी है। उस साइड से एंटर होते थे हम लोग कैंट में और हम लोगों की स्कूल की रोड आ गई कि हम लोग यहाँ से जाते थे और आगे आर्मी की चेक पोस्ट आएगी। 12 साल हम लोग माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना पढ़े हैं। फर्स्ट ईयर जो 2 ईयर्स थे नर्सरी और प्रेप को हम लोगों ने की थी हैदराबाद से, बाकी के यहाँ से हम लोगों ने की। ये छोटे से शहर के हम आपको विजिट कराएंगे, मुख्तलिफ आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इस रोड पे जो ये देखेंगे है विक्टोरिया हॉस्पिटल, ये उसकी बैक साइड। ये अब आएगी हमारी यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये एक ऐसा शहर है जिसका पुरसकून माहौल जो है ना वो अपनी तरफ लोगों को खींचता है और इसकी खूबसूरती अपनी तारीफ जानिब जो है ना मुतवज्जो करती है सबको। ये देखिए ये जो है म्यूज़ियम कितना ही प्यारा लग रहा है। और ये आर्मी की चेक पोस्ट है जहाँ से एंट्री होती है कैंट के अंदर, और भी मुख्तलिफ चेक पोस्ट हैं। और ये बच्चे माशाल्लाह जो है एंजॉय कर रहे हैं और ये आयजा जो है आयजा भी बिजी है। ये देखिए ये इरिगेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब। एक खूबसूरत से शाम का एक खूबसूरत सा मंजर और अब हम लोग एंटर होने लगे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। गेट से एंटर होने पे जो है ना उसके अंदर ऑफिस भी है, मॉस्क भी है और वो भी है रेस्ट हाउस भी है। तो और जब बहन भाई साथ हों तो फिर हर चीज़ ही खूबसूरत लगती है। तो ये हमारा जो है ये शहर खूबसूरत सा और छोटा सा और साफ़ सुथरा सा शहर है। ये देखिए ये कैनाल रेस्ट हाउस है। और ये जो है ना सिर्फ महलों का शहर नहीं कहलाता है, बागों का भी शहर है माशाल्लाह। यहाँ पे आम के बाग, माल्टों के बाग वगैरह की बहुत बड़ी तादाद है। और ये जो है ना ये अलकरीम प्लाजा है और ये जो है मोबाइल मार्केट है बहुत बड़ी। और ये विक्टोरिया हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज वाली रोड जो कि सर्कुलर रोड पे जाती है, जहाँ पे अलमायदा काफ़ी पुराना अलमायदा वगैरह जो है वो मौजूद है। और ये जो है इसके साथ ही बाज़ार जो है वो भी लगता है। और सर्कुलर रोड से हम लोगों ने टर्न ले लिया और ये रोड जो है वो जाती है इम्तियाज़ स्टोर को भी, नूर महल का भी, और साथ ही आर्मी की चेक पोस्ट भी है और इस पे FG कॉलेज भी है और जो APS का सीनियर विंग है वो भी यहाँ पर ही मौजूद है। और ये जो है ना पार्किंग एरिया आ गया नूर महल का, यहाँ से पार्किंग स्टार्ट हो गई थी। अंदर भी पार्किंग एरिया उनका बना हुआ है, चेक पोस्ट है और इससे आगे AJPS है, आर्मी जूनियर पब्लिक स्कूल साथ ही है।
कि हम लोग जो है ना नूर महल में एंटर हो गए हैं और अब हम लोग जो है ना अपनी एंट्री कराएंगे इधर। और इधर बैंक्वेट हॉल भी है नूर महल के, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो है ना फोटो शूट वगैरह भी होते हैं। लेट करवा दिया और अब हम लोग जा रहे हैं। और ये जो है ना बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया हुआ था, इधर स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं। आरती जो है ना वो देखते ही जो है ना बच्चे उसकी तरफ वो हुए हैं, मुतवज्जा हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों ने भी एक बार जो है वो प्ले करके देखना है। ये सिन्हा बड़ी जो है वो प्ले कर रही हैं, देखती हैं सिन्हा बड़ी की शान आज। He will inshallah make it. Oh, drop ho gaya. और ये हम लोग एंटर होने लगे हैं। पहले हम लोगों ने काफी टाइम जो आरती भी लगा दिया। और अब ये जो है ना आमना की टर्न चल रही है। सारे बच्चे जो है ना उनको था कि हम लोग जो है ना मिस ना करिए चांद। और ये स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ है। और ये देखिए नौ और बोरा नूर महल। और और ये खूबसूरत जो है और खूबसूरत तो वसी जो है महल, उसके सामने भी कितने प्यारे प्यारे पार्क्स ग्राउंड्स बने हुए हैं। और वो जो है चिप्स स्टाइल का रेस्टोरेंट बना हुआ है और उधर भी बर्थडे पार्टी हो रही थी। और ये जो है उस दौर की कुछ कार्स वगैरह और वो रखी हुई हैं, बगियाँ वगैरह, कि उन्होंने अच्छे तरीके से आर्मी के अंडर था तो उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं चीज़ें। सही दिल जो है ना बाग बाग हो जाता। लाइट्स जो थी ना वो ऑन नहीं हुई थी नूर महल की, तो हम लोगों ने कहा कि पहले जो है ना चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ी सी आमना आइस एंजॉय कर रही हैं अपने कोल्ड ड्रिंक्स। और हम लोग जो है ना चाय पीने लगे हैं शाही कप इनॉग्रेटेड बाय बेगम लेफ्टिनेंट जनरल सईद मोहम्मद अदनान एंड इट्स द कैफे। और ना टी के साथ हम लोगों ने ना कुछ बिस्किट्स वगैरह यानी के और स्नैक्स वगैरह पकड़ लिए थे टक शॉप से। चाय भी रेडी हो गई होगी। और ये हमारा टी टाइम चल रहा है शाही कप पे और वी आर एंजॉइंग टी। आप लोग भी हमारे व्लॉग में हमारे साथ रहिएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।